Hello friends, I am back with another unboxing video, and today I am unboxing nothing. This is me, daily lifestyle unboxing with you guys. Today I am going to unbox my skills with you guys. तो चलिए आज कुछ कुक करते हैं. तो नाचोस बनाते हैं देसी स्टाइल में, और ये मैं पहली बार बना रहा हूँ. मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है. मैंने यूट्यूब से थोड़ा उसका रेसिपी वगैरह चेक किया है. तो चलिए मेरे स्टाइल में बनाया जाता है. मैं एंड मम्मी दोनों मिल के इसको बनाने वाले. मेरे से पूरा काम नहीं हो पाएगा. चलिए देखते हैं इस वीडियो को. लेट्स गो स्टार्ट. आ चुके हैं हमारे किचन में. ये रहा हमारा गैस, और सब इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रहा हूँ मैं. अभी किया नहीं है. वैसे ये रेसिपी मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार बना रहा हूँ. चाहता था कि इसका रेसिपी जो भी पहली बार बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो कर रहा हूँ. तो मैं पूरा किचन नहीं दिखाना चाहता, अभी तक सेटअप नहीं हुआ है. हम लोग अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये घर खरीदा है, तो पूरा सेटअप नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ. कुछ दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा पूरा किचन देखने के लिए. तो अभी के लिए चलिए रेसिपी. ये रहे वो सारे इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ. ये है मक्के का आटा, इसका पैकेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. ये रहा ये सरसों के साग के साथ जो मक्के की रोटी खाई जाती है, उसका फोटो है, गणेश का है ये. तो ये है मक्के का आटा, मैंने ये एक कप लिया है. एंड ये है आपका नॉर्मल आटा, जो कि गेहूं का आटा जो हम रोटी खाते हैं, हाफ कप लिया है. एंड ये देसी स्टाइल में नाचोस है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी एंड गरम मसाला, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स भी लिया है, एंड क्यूमिन पाउडर भी लिया है, मतलब जीरा पाउडर जो कि होता है. तो हम सबको अभी ऐड करेंगे धीरे धीरे. पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं. ओके, ये ऐड हो गया. अब हम इसमें ऐड करेंगे, मुझे इसे थोड़ा छान लेना चाहिए था, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. हमें इसे छाना हुआ पहले. और ये रहा वो नॉर्मल आटा, नॉर्मल गेहूँ का आटा जो होता है वो भी ऐड कर दिया मैंने इसमें. आप चाहे तो एक नॉर्मल छोटे कप से माप भी ले सकते हैं. मैंने बड़ा कप लिया क्योंकि हमारे घर में मेम्बर्स थोड़े ज़्यादा हैं, सबके लिए होगा कि नहीं. तो अब इसके साथ मैं ऐड करूँगा ये मसाले जो कि मैंने सब रखे थे. देख पा रहे होंगे चिली फ्लेक्स के मतलब टुकड़े दिख रहे होंगे आपको. अब मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं. इसमें ल्यूक वार्म वाटर ऐड किया जाएगा, नॉर्मल वाटर नहीं ऐड करना है इसमें. विथ सम ऑयल भी आएगा, तो हम थोड़ा सा ऑयल भी दे देते हैं. चलिए कितना ऑयल काफ़ी होगा शायद. तो जब तक पानी भी थोड़ा गुनगुना हो रहा है, मुझे हल्का फुल्का कुकिंग आता है. आप मेरे इंस्टाग्राम चाहे आईडी पे जाके चेक कर सकते हैं, मेरे फूड फोटोग्राफी जो कि मैं फूड के पोस्ट डालता हूँ. अगर आप वहाँ पे जाके मुझे बोलेंगे कि शेयर करने को रेसिपी, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा. बट ये मेरा पहला व्लॉग है, तो पता नहीं कैसा होगा. हो गया ल्यूक वार्म, तो उसे पकड़ने के लिए कपड़ा. क्या हुआ? तो मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अभी आप देख पा रहे होंगे कंसिस्टेंसी प्रॉपर ही आ चुकी है. बहुत देर से भूल रहा था इसको. तो वैसे ही मक्के का आटा है, इसमें पानी अपने हिसाब से हल्का हल्का करके डालते हुए भूलिएगा. ये नहीं कि एक बार में डाल दिया फिर आटा ऐड कर रहे हैं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा. हल्का हल्का पानी डालते चाहिएगा उसी हिसाब से भूलिएगा. तो हमें अब इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ना है इस स्टोव को. ये उतना कुछ सॉफ्ट नहीं हुआ, हार्ड है, या हार्ड ही रहना चाहिए, सॉफ्ट नहीं है. ये कोई ब्रेड नहीं बनेगा, इससे नाचोस बनाएंगे जो कि पापड़ के टाइप के होते हैं. तो ये
देसी स्टाइल नाचोस है, इसको नाचोस बोलना गलत होगा। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं, तो रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे 15 मिनट के बाद हम आगे से चेक करेंगे। चलिए तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो डो है वो रेडी है कि नहीं, वो एकदम रेडी है। तो अब हम इसको निकाल के देखते हैं, एकदम फूल फाल गया है, अब बहुत अच्छा हो गया है, अब देख पा रहे होंगे। तो हम अब इसको सेट छोटी छोटी इसकी गोलियाँ निकालेंगे, लोई बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे तो वैसे रोटी बनाना आता नहीं है, तो इसके लिए मुझे अपनी मॉम का हेल्प लेना। यहाँ पे आ चुकी है एंड उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है मेरा पहले ब्लॉग में? बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मम्मी का काम हम आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने अभी लोई बनाना स्टार्ट कर दिया है, देखने लोगे। एक प्लेट लगेगा क्या? काट के रखेंगे ऐसे? मॉम को पता नहीं है हम क्या बना रहे हैं, तो मैं उनको बस गाइड करूंगा, वो एक एक करके काम करेंगे। पेपर लगेगा? दूसरा कढ़ाई है, कढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कढ़ाई में ले आते हैं। पहले हम पर इसको एक बार बेल के इसी कढ़ाई में हो जाएगा। इसे बेलना शुरू किया है, देख पा रहे होंगे। वैसे नेट पे मैंने देखा था तो वो तेल देके कर रहे थे, बट मॉम बोली कि नहीं ये आटा देके ही होगा। हम पर इसको फोक से ना थोड़ा गड्ढा कर देना, मुझे पूरी की तरफ फूल जाएगा। ठीक है, बताया था। पास में जो खड़ी है मेरी बहन है, तो मैं उसे बोलूँगा कि प्लेट वगैरह थोड़ा ले आओ, काट के मॉम इसमें रखेगी ना, ले आओ वाला प्लेट वगैरह जो रखना है। अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, तो जो सामान हमें मिला हम उसी से बना रहे हैं अभी, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा अगर कुछ चीज़ गंदा लगे तो। दो इधर दो, यहाँ पे रख देते हैं। वैसे नहीं, वो फोक को उल्टा करके आपको सिर्फ छेद छेद करना था, नहीं तो फूल जाएगा ये। पता नहीं अभी मॉम लोग तो एक्सपर्ट होती हैं, अब उनके ऊपर वो लोग जो कर रही हैं, अब हम उन लोग के साथ ही जाएंगे। उन्होंने बोला वेट करने के लिए। तो इसमें काट के रखना है या डायरेक्ट वहीं से आप डाल दोगी? ये कढ़ाई में जाता हुआ पहला, और ये फूल रहा है, ये फूल रहा है। तो आपको ये फोक में ही खाना पड़ेगा, देख रहे हैं आप, ये गलती मत कीजिएगा। देखिए ये फूल रहा है, तो आपको इसे फोक से इसमें छेद करना पड़ेगा बहुत सारा। मेरी मॉम भी पहली बार बना रही है, उनको भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मैंने उन्हें बोला तो वो बना रही है। तो चलिए हम आपको इसको, तो ये तो फेल हुआ, तो इसको आप करेंगे। तो ये वाला निकल गया, तो मॉम बोलती थी इसको प्रसाद के तौर पे चढ़ा दो गैस को, और तो वही करेंगे। रेडी हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम क्रंची बने। आप तो मैंने ये मेयोनीज का डिप बनाया था, वो इसके साथ में डिप कर दिया था। आप क्रंच का आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि कितना क्रंच बना। अभी तो स्टोरेबल है, हम चाहे तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब मन चाहे तब निकाल के खा सकते हैं। एकदम मस्त बना है। तो थैंक्स टू मॉम जिन्होंने मुझे हेल्प किया इसे बनाने में,
वो लोग कैमरा में भी आना नहीं चाहते तो मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा खाना बनाऊंगा तो उनको ज़रूर इंक्लूड करूँगा। इसका फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया है, आप मुझे जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, मी फूड फोटोग्राफी, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। नीचे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ये रहा आपका नाचोस, देसी नाचोस।